इट्स नॉट रियली फिल्म जैसे लगे, तीन हीरो की फिल्में होती हैं, मशीन गन लेके लड़ाई करेंगे और टपोरी किस्म के गाने होंगे और आई एम प्लेइंग एन आर्मी ट्रक ड्राइवर इन द फिल्म. My parents, or rather my father, because I don't have a mother in the film, has in very definite terms told me that I cannot meet Shah Rukh ever again. I cannot even hear his voice. I can't take any of his calls. जब भी मैं लड़की से मिलने की कोशिश करता हूँ, तो जितना जल्दी मैं घर में घुसता हूँ, उससे जल्दी वो मुझे घर से बाहर फेंक देते हैं. तो उसमें ऐसे मैं तूफान की तरह, उसमें नाम रखा है सर रूमी तूफान. तो मैं ऐसा तूफान की तरह घुसता हूँ, मैं आ गया राधा, मैं तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा, ये उतनी जल्दी बाहर फेंक देता है. और हमेशा उसका भाई नीचे खड़ा होता है, उसको पकड़ के ले जाता है, वो बोलता रहता है तू यहाँ पे मत जा, यहाँ पे मत जा, यहाँ पे तेरी इज्जत नहीं होगी. लेकिन वो थ्रू आउट द फिल्म आई कीप एंटरिंग द हाउस लाइक दैट. इन द कोर्स ऑफ ऑल दिस हैपनिंग, ही मैनेजेस टू गेट इनटू द हाउस, हाउ ही मैनेजेस टू गेट इनटू माय रूम, एंड देन फ्रॉम देयर आई स्माइल बिकॉज आई सी ही इज कम टू मी, यू नो, व्हेन आई रियली नीडेड हिम. And the song starts. इस गाने के बारे में मुझे जो चीज बहुत पसंद आई है वो है द एंटायर मूड ऑफ द सॉन्ग. जैसे हम सब फैमिली मेंबर्स प्लस नौकर चाकर सबके हाथ में एक टॉर्च लाइट है, एंड इट्स वेरी वेरी डार्क, एंड यू जस्ट सी द एंटायर सॉन्ग थ्रू दोज बीम्स ऑफ व्हिच इज समथिंग न्यू. इस मूवी में वन ऑफ द वेरी बिग हाईलाइट इज द कैरेक्टर ऑफ विलन. इस फिल्म में जो जैसे आपको कैरेक्टर याद है कर्मा के डॉक्टर डैंग, इसी या दूसरे विलन जो मेजर आए हैं मोगैम्बो या गब्बर सिंह या दूसरे, इसी तरह से इस फिल्म में भी आपको एक कैरेक्टर नया मिलेगा हिंदी स्क्रीन पे. उसका कैरेक्टर का नाम है कूका, और ये रोल प्ले किया है डॉक्टर मोहन आगाशे, मराठी स्टेज के और स्क्रीन के बहुत माने हुए एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं डॉक्टर मोहन आगाशे, और उनको हमने ये कैरेक्टर दिया ताकि जो कैरेक्टर कूका का कैरेक्टर है वो बिलीवेबल लगे. उसको स्टार विलन जो है या स्टार एक्टर प्ले करेगा तो वो विलन तो लोगों ने बहुत बार देखा है. जो रेगुलर विलन हैं हमारे वो तो हर फिल्म में विलन आ रहे हैं, और फिर उस कैरेक्टर की ऊपर जो स्केच या उसको जो ड्रॉ किया है हमारे राइटर्स ने वो इतना यूनिक है और इतना बढ़िया है कि ऑडियंस में हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को वो कैरेक्टर बड़ा लाजवाब लगे. इट्स नॉट वन कलर, it has some comical sense in it and a thread which I enjoy doing. I mean, even when there's this element of sadism in it which is evident throughout in his dealings, not only with human beings but with animals, with all other things of worldly life. जब शाहरुख आता है मिलने, एंड ही नोज कि ये तीसरा बच्चा है जिसको ख़त्म करना है, और जिस तरह से वो डील करता है उसके साथ, उसे पता चलता है कैसा रिलेशनशिप. यू लुक फॉर अ विक्टिम एंड व्हेन द मोमेंट यू फाइंड योर विक्टिम इट्स प्लेजर. विलन मुझे ऐसा रिझा रहा है उस गाने में, मुझे पटा रहा है वो, क्योंकि ही वांट्स मी टू कम टू हिम एंड मी इन माय इनोसेंस इज गेटिंग टेकन इन बाय the villain. So it's a very comic, strange, funny, surreal and spiritual kind of song. It's a dark dungeons ke andar hai, and all these really ugly and scary faces all around you, and these little fat but sensual girls dancing, very not too well clad. Shukilji told me that he wanted a dancing villain and he should make faces more like the penguin man, like, you know, in Batman. So that's the way we picturized him also. But he did a very good dance number in that, which I didn't expect it, because it was quite tough. The movements were quite tough. I thought he will say, "Can just itna change kar do," but he didn't say a word for any movement. He did all the movements, and he used to come for rehearsals. Priya Tendulkar ने जो मदर का रोल किया है, ये एक बहुत स्ट्रॉंग पुलिस ऑफिसर का रोल है प्रिया जी का, और प्रिया जी भी एक बहुत स्ट्रांग मदर जितनी हिंदी स्क्रीन में दिखाई नहीं है, वो आज की कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ की 95 में जो वैल्यूज़ हैं और जो हमारी थिंकिंग है उस वैल्यूज़ की मदर है. टीवी सीरियल क्या नाम था उस फिल्म को, रजनी, हाँ, तो वो इमेज जहन में रहती है हमेशा कि रजनी में प्रिया ने हमेशा काम किया है और टीवी पे देखा है। तो ये मतलब फिर मैंने बोला हाँ चलो, अपना करण राजदान जो है वो राइटर है तो शायद इसलिए, और जब मैंने यू नो फिल्म में है तो मैं आई वाज सरप्राइज, ऐसे क्या हाउ प्रिया टेंडुलकर, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट शी इज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म। मतलब वो शी सूट्स द रोल एंड शी डन द रोल सो वेल कि आई वाज टोटली सरप्राइज्ड and I told Subhash Ghai, I said this is the best casting coup you could do, and casting Priya Tendulkar as our mother, and because of Priya the whole film looks very fresh. We wanted two new faces between the battle which we have created. It's a virtually a supernatural battle between the good and evil, and we have the two disciples of the goddess Mata. One is the mother and one is the evil Kuka Singh, the villain. Both have been empowered with the blessings of Mata, and both virtually battle it out throughout the film. The film seesaws between each battle, between each side, swinging one way one side, one time, and swinging the other way the other time. Now, because it was a mythological battle set in modern times, we didn't want any set faces. We wanted to create an aura around the two powerful natural born actors, in which in the case we felt Priya could do justice to a very strong character role of a police officer, and in this case a very experienced psychiatrist and actor, Dr. Mohan Agashe. When you go on directing movies after movies, then you become yourself. Then आप सिर्फ सुभाष घई ही बन के रह जाएंगे। लेकिन अब जब अपनी प्रोडक्शन आपको भगवान ने अच्छी तरक्की दी है, जब आप दूसरे डायरेक्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपनी फलती फूलते बैनर के नीचे अगर दूसरा डायरेक्टर करता है तो आप उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। सो आई एम लर्निंग कि हाउ अदर डायरेक्टर्स वर्क। तीनों एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि टीनेजर्स को शाहरुख बहुत पसंद आएगा।